हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा कि अच्छे होंगे। पूनम किचन में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूं वेजिटेबल पकोड़े, जो हर सब्जियों से मैं बनाऊंगी। इधर मैंने थोड़ा सा पनीर, दो हरी मिर्च कट कर ली है। मैंने कांदा, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, हरा कांदा, मटर और गाजर, और मैंने एक आलू छोटे छोटे पीस में कट कर लिया। सब एक एक थोड़ा थोड़ा सा ही है सब्जी, थोड़ा थोड़ा मैंने लिया है। आप चाहे तो और जो आपको सब्जी अच्छी लगे वो इसमें ऐड कर सकते हैं। और इधर मैंने जो पनीर ली थी उसको भी मैं इसमें मसल के डाल दूंगी। आप चाहे तो जो गाजर घसने वाला होता है उसे अभी आप घस के डाल सकते हैं। मैंने तो हाथ से ही कर दिया। फिर ऊपर से मैंने हरा मिर्च डाला, थोड़ा सा धनिया डाली, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला, थोड़ा सा मैंने चिल्ली फ्लेक्स डाला, थोड़ा सा अजवाइन डाला है, और एक कटोरी में रावा ले रही हूँ दोस्तों, सूजी, और एक कटोरी में चावल का आटा उसी कटोरी से, और उसी कटोरी से मैं आरा रोट ले रही हूँ। आप चाहे तो मैदा भी, बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ना मैंने इसमें मैदा डाला है, ना मैंने बेसन डाला है। इसी से मैं अच्छे से पकौड़े बनाऊँगी। और इसमें मैं एक बेटे को मेरा थोड़ा स्पाइसी खाना था, तो मैंने थोड़ा सा इसमें एक अमूल का चीज़ लिया। आप चाहे तो और भी इसमें ले सकते हैं दोस्तों, अपने हिसाब से बनाइएगा आप। लेकिन ये पकौड़ी बोले या पकौड़ा बोले तो बहुत अच्छा है। आप हेल्दी भी है दोस्तों, आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। बच्चे लोग को सबको बहुत पसंद आएगा। बच्चे खाएं या बड़े खाएं, जो भी खाएं सबको अच्छा लगेगा। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों। आप जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों, आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। और इधर देख सकते हैं आप, मैं छोटे छोटे बॉल्स बना रही हूँ, और तेल मैंने रख दिया साइड में गर्म होने के लिए। ऐसे छोटे छोटे बॉल्स बना के इनको हम तेल में हम फ्राई करेंगे। तेल हमारा उतना गर्म नहीं है दोस्तों, मीडियम है, न ज़्यादा गर्म है न ज़्यादा ठंडा है। तो हम थोड़ा तेल गर्म कमी करके हम फ्राई करेंगे। इसको टाइम लगेगा फ्राई होने में, 7 से 8 मिनट तक लग जाएगा। और आप देख सकते एकदम क्रिस्पी गोल्डन कलर हो चुका है। तो इसको उलट पलट के आप अच्छे से पकाइएगा। और इधर देख सकते हैं पकौड़ा हमारा एकदम रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा क्रिस्पी हुआ है। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो। और मैंने इसको केचप और मेयोनीज के साथ सर्व किया है अपने बेटे को। आप लोग भी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। और आप लोग कमेंट करते उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। वीडियो देखने के लिए भी थैंक यू दोस्तों। आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना। फिर कोई नई वीडियो लेके मिलूंगी आप लोग के। बाय दोस्तों।